बिग बॉस सीजन 18 के वीकेंड के वार पर पहले वीकेंड के वार पर सलमान ने लगाई रजत दलाल की क्लास, शिल्पा से पंगा पड़ा महंगा, रजत को दिया ऐसा जवाब। तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रहिए अंत तक। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का वीकेंड का वार शुरू हो गया है। वीकेंड के वार पर बरसे हैं सलमान खान और सलमान खान का फूटा है गुस्सा रजत दलाल पर। दरअसल रजत दलाल को लेकर सलमान खान क्यों हुए हैं नाराज, आखिर क्यों शिल्पा से लिया है रजत ने पंगा? क्या एक बार फिर इंस्टाग्राम के बॉदमॉस रजत दलाल आ गए हैं अपने ओरिजिनल अवतार में? दरअसल सलमान खान के सामने तो बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है, और ऐसा ही कुछ इस वीकेंड के वार पर रजत दलाल के साथ भी होने वाला है। रजत दलाल को लेकर सलमान खान ने पूछे दो बड़े सवाल, सलमान खान ने लगा दी रजत दलाल की क्लास, हो गई इंस्टाग्राम के बॉदमॉस की बोलती बंद। दरअसल रजत दलाल ने भले ही इंस्टाग्राम पर कितनी ही बदमाशी की हो, एल्विश का सपोर्ट लेकर कितना ही वो बदमाश बनते हो, लेकिन यहां पर जहां पर सलमान खान के सामने एल्विश की भी एक नहीं चलती, सलमान खान ने एक सवाल पूछा रजत से कि रजत, ये इंस्टाग्राम की बदमाशी नहीं है, ये रील की बदमाशी नहीं है जो आप यहां पर दिखा रहे हो। शिल्पा जी वो इंसान है जो कभी भी किसी के फटे में टांग नहीं डालती हैं। शिल्पा जी को जो गलत लगता है वो गलत लगता है, अगर वो बोलती हैं तब ही अगर कोई ना कोई वजह होगी तो बोलेंगी, वरना वो नहीं बोलती हैं। यही वो बड़ी वजह कि सलमान खान ने रजत दलाल से पूछा कि क्या तुम कैमरे पर आने के लिए, दिखने के लिए, कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए, क्या तुमने अपने स्तर को इतना ज्यादा नीचे गिरा दिया है? सलमान खान के दूसरे बड़े सवाल से दहल उठे रजत दलाल। दरअसल रजत दलाल को सलमान खान ने दूसरा बड़ा झटका दिया और ये कहा, रजत दलाल तुम्हारी वो हरकत जो तुम इंस्टाग्राम पर करते थे, चाहे वो विवेन के साथ कर रहे हो, चाहे वो आप किसी भी कंटेस्टेंट के साथ कर रहे हो, ये यहां नहीं चलने वाली। यहां पर तुमको कोई ओरिजिनल कॉन्टेंट देना होगा, रील की बदमाशी रील तक रखना, यहां पर औरतों की रिस्पेक्ट करो, और हां, शिल्पा जी के साथ जो भी आपने पंगे लिए हैं उसको आप सॉल्व करना चाहिए, यहां पर पूरी तरह से गलती रजत तुम्हारी नजर आती। शिल्पा सिडोरकर की तारीफ की है सलमान खान ने और यह कहा कि शिल्पा तुमने जिस तरीके से पूरे सिचुएशन को हैंडल किया, इट वाज अ माइंड ब्लोइंग, और जाहिर सी बात है ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप था कि तुमने इस तरीके से पूरे के पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है। फिलहाल के लिए आप बताना कमेंट बॉक्स में सलमान के फटकार पर आपका क्या है ओपिनियन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और इसी तरीके की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।